शहर से आ रही है बड़ी खबर। अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी दिलशाद अहमद ने आजाद समाज पार्टी के समर्थकों पर जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया है। 25 अक्टूबर को हाजी यामीन के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और रामण की सभा हुई थी। सभा में उपस्थित प्रत्याशी हाजी यामीन व समर्थक चुनाव प्रचार वास्ते मोहल्ला कसाईवाड़ा पहुंचे, जहां पर पूर्व से दिलशाद अहमद प्रत्याशी AIMIM के समर्थक भी प्रचार कर रहे थे। दोनों पक्षों के समर्थकों में आपसी कहासुनी व मारपीट हो गई। प्रत्याशी दिलशाद अहमद ने अपने फटे हुए कपड़े दिखाते हुए आरोप लगाया है, जबकि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है और अपनी सफाई पेश की है। आप लोग गए थे कन्वर्सिंग, घटनाक्रम क्या था, क्या घटना हुई थी? हमारे वहाँ नाश्ते और खाने का प्रोग्राम था, हाजी निगम ने साथ किया। हम वहाँ सब कार्यकर्ता और हम लोग सब गए थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे। हमने वहाँ से खाना खाया, खाना खा के हम वहाँ से चले। हम जब वहाँ से निकल के चले तो हम अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के अपना वहाँ से निकल गए। हमारे साथ जितने हमारे कार्यकर्ता थे और हम, ना कोई हमारी किसी तरह से कोई घटना हुई, ना हम नारे किसी कार्यकर्ता ने किसी को गाली बकी, ना किसी की बदतमीजी करी, ना हमने, ना हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई फायर करा, ना हमारे किसी भी जितने हमारे आदमी साथ थे कार्यकर्ता, हम सीधे अपना बिल्कुल अपने कार्यालय पर आए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पीछे थे, उनकी गाड़ी हमारे पीछे थी, जो हम अपने वहाँ से खाना खा के निकले। हमारे साथ कोई तरह किसी तरह की भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने कोई बदतमीजी, कोई किसी को गाली या कोई फायर किसी तरह का कोई भी नहीं हुआ। ना हम ऐसे आदमी हैं, हमारी तो भले भांति हमारी तो आदमी है, सबको पता है कि भाई हम कितने शरीफ आदमी हैं, तो सब पूरी जनता जानती है। तो ऐसी कोई हमारी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है कुछ पार्टियों का, जो आज की हमारी रैली को देख के, हमारी लोकप्रिय को देख के, हमारे नेता की लोकप्रिय को देख के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो दलित समाज से हैं, तो उनकी लोकप्रिय को देख के ये सब लोग बौखलाए हुए हैं, जो हमारे लिए ऐसी साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं। हम तो बिल्कुल ऐसे आदमी हैं जो पूरी जनता जानती है, हम तो खुले में ऐसे सबके साथ फिरते हैं। घटना के संबंध में DM रविंद्र कुमार सिंह व SSP संतोष कुमार सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवगत कराया है। उक्त घटना के लिए बुलंदशहर से मोहम्मद काजिम व राकेश गुप्ता की रिपोर्ट। कुर्सी एक दूसरे पे फेंकी, प्राइवेट कोई यहाँ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। कहीं किसी को घायल वगैरह नहीं? नहीं सर, सब ठीक है। प्रत्याशी जो है ना, इस नाले में गिर गया खुद ही, भागते वो अंधेरा था, अंधेरा हुआ था और वो भागते में गिर गया, गिर गया। तो ऐसे ही ये लोग झूठा चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग यहीं पे थे? जी जी सर। आपका घर यही सामने वाला? जी सर, यहीं करीब में है, पास में हमारा गली में, ये तो बगल गली में हो गया। सोशल मीडिया में ऐसे लोग हवा उड़ाते हैं, असलियत यही है, कुछ हुआ नहीं है, केवल कोशिश की गई। क्या चीज ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया पर बात चलती है, ऐसा वैसा कोई हुआ नहीं है। अगर ऐसा कोई मैं बताएं कितना आपके पास, यहाँ इतना अमन चैन है, बाहर से लोग बता रहे हैं मैं कल जो दो पार्टी प्रत्याशियों के और समर्थकों के बीच में आधा पाई हुई या मारपीट हुई, 307 का मुकदमा लिखा गया है। क्या पूरे घटनाक्रम में क्या कार्रवाई अभी तक से की जा रही है? देखिए, कल शाम 7:30 बजे के बीच में AIMIM पार्टी के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी पहुंच गए। दोनों के अनुयायियों के बीच में नारेबाजी, गाली गलौज और हाथापाई की बहुत मामूली घटना हुई थी। बाद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें अपने काफिले पर फायरिंग की बात कही थी। इसके बाद प्रकरण संवेदनशील हुआ और मीडिया पहल का विषय बन गया। तत्काल मौके पर मैं और जिलाधिकारी पहुंचे, स्थानीय लोगों से बात की, लोगों ने किसी तरह की फायरिंग घटना से पूरी तरह इनकार किया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को थाने बुलाया गया और दोनों ने जो तहरीर दी उसके आधार पर दोनों पक्षों की ओर से 307 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन का एक वीडियो आया, जिसमें उन्होंने इस तरह की किसी घटना से इनकार किया। थोड़ी ही देर बाद दिलशाद अहमद, जो AIMIM के प्रत्याशी हैं, उनका भी एक वीडियो आया, आपको मना किया। फिलहाल हमने अभियोग पंजीकृत करा लिया है, निष्पक्षतापूर्वक जाँच कर रहे हैं। अब तक की जांच में किसी प्रकार की फायरिंग, हमला काफिले पर, इसका कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला है।
लेकिन पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। हम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपादित कराने के लिए पूरी शक्ति के साथ लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में कहा सुनी हाथापाई की बात वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं। किस बात को लेकर हाथापाई घंट हुई है? बताया ये गया है कि वो रुकनसराय मोहल्ला कसाई बाड़ा क्षेत्र में स्थित है, जहां बहुत घनी आबादी है, सकरा रास्ता है, वहां पे गाड़ियों की वजह से जाम लग गया था और उसी वजह से उनके बीच में कहा सुनी हुई। नहीं, इसमें सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के नेतृत्व में कमेटी के द्वारा एक जांच प्राथमिक तौर पर करा ली गई है। उस जांच में पाया गया कि जो बताया जा रहा है या ट्वीट के माध्यम से जो चीज़ें बताई गई थी वो निराधार और निर्मूल है। दिलशाद का और हरी यामी जी का जो वीडियो आया है, ये मुकदमा दर्ज होने से पहले का के बाद का? उसके बाद का है। मुकदमा दर्ज होने के बाद का? जी।